बीएसटी में जो सबसे पहला क्वेश्चन था ये पूछा गया था, बिजनेस इज बिजनेस क्या है? तो बिजनेस हमारा आर्ट्स साइंस दोनों होता है, दोनों का फीचर्स बिजनेस में पाया जाता है। अल्टीमेटली हमारा आंसर थर्ड हो जाएगा, बोथ द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड गेट रेमुनरेशन। तो इसको हम लोग एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग दूसरे सेट में भी कि पहले वाले सेट में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राउडर सेंस में बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटीज मे बी डिवाइडेड इंटू। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ब्राउडर सेंस में कितने ग्रुप में क्लासीफाई किया जाता है? तो बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट तीनों हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट था, इंडस्ट्री इज अ पार्ट ऑफ। इंडस्ट्री किसका पार्ट है? बिजनेस का। बिजनेस दो पार्ट में क्लासीफाई होता है, इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स। माइनिंग जो है ये क्या है? माइनिंग हमारा एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज कहने का मतलब जिसमें हम लोग जमीन से कुछ निकालते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का पार्ट हो जाएगा, इसमें हम लोग प्रोसेस करते हैं कपड़ा। विच ऑफ फॉलोइंग हैज द वाइडेस्ट स्कोप? वाइडेस्ट स्कोप कहने का मतलब यह जिसका स्कोप बहुत बड़ा है, जिसके अंदर बहुत कुछ आता है, तो ये बिजनेस है। बिजनेस के अंदर ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री सब कुछ आ गया। ट्रेड इन विच फर्स्ट इम्पोर्ट एंड देन एक्सपोर्ट, इसको बोलते हैं इंट्रोपोर्ट, इंट्रोपोर्ट ट्रेड। पहले इम्पोर्ट करेंगे फिर एक्सपोर्ट कर देंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस क्या होता है? अर्निंग प्रॉफिट, प्रोवाइडिंग सर्विसेज, बोथ प्रॉफिट एंड सर्विस। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का बात किया। द इंडस्ट्री विच प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज टू अदर इंडस्ट्रीज, इसको हम लोग बोलते हैं टेरिटरी इंडस्ट्रीज। कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल को हम लोग फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, तो ये किस टाइप का यूटिलिटी क्रिएट करते हैं? ये हम लोग फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट करते हैं। बिजनेस रिस्क इज नॉट लाइकली अराइज ड्यू टू गुड मैनेजमेंट, पहले का क्वेश्चन है किया हुआ सेट का। स्कोप ऑफ सोल ट्रेडिंग क्या है? जो स्कोप होता है सोल ट्रेडिंग का, ये क्या होता है? ये लिमिटेड होता है, बहुत छोटे लेवल पे हमारा सोल ट्रेड का स्कोप होता है। वाइड या तो अनलिमिटेड स्कोप हम लोग नहीं बोल सकते। ग्रेटेस्ट डिफिकल्टी ऑफ सोल ट्रेडर, सोल ट्रेडर के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है? तो सोल ट्रेडर के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है लिमिटेड लाइबिलिटी, उसके पास लाइबिलिटी बहुत कम होता है, लिमिटेड कैपिटल। ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी तो अच्छा चीज है ना, ये तो बिजनेस के लिए अच्छा बात हो, ये डिफिकल्टी थोड़ी ना हो। ठीक है, तो लिमिटेड कैपिटल। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल ट्रेडिंग बिजनेस, सोल ट्रेडिंग बिजनेस का इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? प्रोप्राइटर हैज लिमिटेड लाइबिलिटी, ऐसा तो नहीं होता है सोल ट्रेडिंग में। सोल ट्रेडिंग में उसका लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है, तो दिस इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल ट्रेडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मेंबरशिप इन ज्वाइंट फैमिली इज एक्वायर्ड बाय बर्थ। बाय बर्थ हम लोग को जे एच एफ, ठीक है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली, ठीक है, इसमें मिल जाता है। अरेंजमेंट फॉर रेसिडेंशियल एकोमोडेशन एट रिजनेबल रेट्स, ये किस फॉर द मेंबर्स इज डन बाय, ये हाउसिंग कोऑपरेटिव में ऐसा होता है। हाउसिंग कोऑपरेटिव जो होता है उसका मेन ऑब्जेक्ट यही होता है। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन क्या है? देखो यहाँ पे वॉलेंट्री भी हो सकता है, नेसेसरी भी हो सकता है। ठीक है, कंपलसरी तो होगा नहीं, ये सबको पता है, और अननेसेसरी होगा नहीं। वॉलेंट्री इसलिए क्योंकि ये हमारी इच्छा पे, हम रजिस्ट्रेशन चाहे तो करवा सकते हैं, नहीं तो नहीं करवा सकते। नेसेसरी इसलिए, यहाँ पे नेसेसरी इसलिए ज्यादा परफेक्ट हो जाता है क्योंकि नेसेसरी कहने का मतलब ये आवश्यक है, अगर हम करवा लेते हैं तो फायदा है, पार्टनरशिप फर्म चलाने में हमको फायदा है। कोई भी हमारा कल के डेट में इशू होगा तो उसके थ्रू ये हमारा रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए नेसेसरी वर्ड यहाँ पे ज्यादा परफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथिक्स आर इम्पोर्टेंट फॉर वर्कर, टॉप लेवल मैनेजर और मिडिल लेवल मैनेजर, सबके लिए जरूरी है। द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कोऑपरेटिव सोसाइटी में 10। विच इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए बिजनेस का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ऑल ऑफ दिस, टैक्स को टाइम पे करना, लॉ को फॉलो करना और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्री का हेल्प करना। ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी आर स्पेसिफाइड, कंपनी का जो ऑब्जेक्ट होता है, किस चीज के लिए कंपनी को खोला गया, ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है। विच इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस, कौन सा मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस? मोस्ट स्टेबल कहने का मतलब हो गया जो हमारा बिजनेस चलते रहेगा, किसी के आने जाने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। नेक्स्ट है,
इन विच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देयर इज अ सेपरेशन बिटवीन ओनरशिप और कंट्रोल. ओनरशिप किसी और के पास था और कंट्रोल किसी और के पास था. ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में शेयर होल्डर जो होता है हो गया ओनर, और जो डायरेक्टर्स होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो उसके पास होता है कंट्रोल. प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ पब्लिक इंटरप्राइजेस को एस्टेब्लिश क्यों किया जाता है? मेनली प्राइमरी ऑब्जेक्ट पूछ रहे हैं, मेन ऑब्जेक्ट इसका क्या होता है? सर्विस को प्रोवाइड करना. फॉर इंडियन इकोनॉमी पब्लिक इंटरप्राइजेज क्या है? नेसेसरी है. नेसेसरी इसलिए बोला जाता है, पब्लिक इंटरप्राइजेज क्या करता है? पब्लिक इंटरप्राइजेज कहने का मतलब यहाँ पे हो गया एक तरह से गवर्नमेंट इंटरप्राइजेज, ठीक है, तो ये नेसेसरी है. द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन पब्लिक लिमिटेड कंपनी अनलिमिटेड हो जाएगा. विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन एक्जुलरी एक्टिविटी टू ट्रेड? तो वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस और बैंकिंग, ये तो एक्जुलरी टू ट्रेड हो गया. माइनिंग जो हो गया ये हमारा इंडस्ट्री का पार्ट हो गया. प्राइवेट कंपनी इज वन इन विच ट्रांसफर ऑफ शेयर इज रिस्ट्रिक्टेड. शेयर हम लोग ट्रांसफर नहीं कर सकते प्राइवेट कंपनी के केस में. एल आई सी जो है ये क्या है? डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट कंपनी और पब्लिक कॉरपोरेशन. देखो यहाँ पर ना थोड़ा समझना, गवर्नमेंट कंपनी पब्लिक कॉरपोरेशन बेसिकली कोई टर्म नहीं है, लीगल टर्म नहीं है. जो लीगल टर्म है हम लोग कंपनीज एक्ट में पढ़ते हैं. ये जब नेक्स्ट अभी 12th में जाएगा तो ये चीज़ समझ में आएगा. वहाँ पे हम लोग जो टर्म पढ़ते हैं होता है पब्लिक लिमिटेड, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में पब्लिक कॉरपोरेशन भी बोलते हैं. गवर्नमेंट कंपनी और पब्लिक कंपनी में क्या डिफरेंस होता है? गवर्नमेंट कंपनी उस टाइप का कंपनी होता है जिसमें गवर्नमेंट का मिनिमम 51% शेयर होल्डिंग हो, ठीक है. जिस कंपनी में मिनिमम 51% शेयर होता है उसको गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं. आज के डेट में जो भी हम लोग कंपनी अपने अगल बगल देखते हैं, जैसे कोल इंडिया हो, हमारा NTPC हो, सेल हो गया, या तो ONGC हो गया, ये सब कंपनी जो हम लोग झारखंड में जनरली देखते हैं, ये सब कंपनी में क्या होता है? गवर्नमेंट का 51% से ज्यादा शेयर होता है, तो इसको हम लोग गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं. पब्लिक लिमिटेड में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है. पब्लिक लिमिटेड कहने का मतलब हो गया इसका पूरा शेयर पब्लिक के पास है. हो सकता है तो अगर गवर्नमेंट के पास होगा तो 50% से कम होगा, ठीक है. तो LIC जो है ना, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इसमें गवर्नमेंट, ये जो है गवर्नमेंट कंपनी के डिफिनेशन में आ जाना चाहिए, आ जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, LIC का जो शेयर है 51% से ज्यादा आज के डेट में गवर्नमेंट के पास है. तो इस तरह से मेरे व्यू से आंसर इसका गवर्नमेंट कंपनी होगा. हाउएवर हम इसका कोई गारंटी नहीं ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि यही होगा. हो सकता है अगर कहीं पे और आंसर मिल जाए पब्लिक कॉरपोरेशन या ऐसा कुछ, तो ठीक है. ऐसा हमारा हमारा जो अपना व्यू है, जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है, उसके हिसाब से गवर्नमेंट कंपनी होना चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल ट्रेडिंग इज द बेस्ट. सोल ट्रेडिंग कब बेस्ट होता है? जब हमारा लिटिल लिटिल कैपिटल हमारे बिजनेस में चाहिए तो हमारा सोल ट्रेडिंग इज द बेस्ट. नेक्स्ट है, कंपनी हुज बिजनेस लिंक्स आर एक्सपेंडेड इन मोर देन वन कंट्री, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये हमारा MNC होता है, मल्टीनेशनल कंपनी. सेंट्रलाइज कंट्रोल MNC में कहाँ से होता है? हेडक्वार्टर से होता है. इमरजेंस ऑफ ई कॉमर्स कब हुआ था? ई कॉमर्स का इमरजेंस कब हुआ था? 1970 में. ई कॉमर्स का मीन्स क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. नेक्स्ट है, सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरप्रेन्योर क्या होता है? गवर्नमेंट के लिए भी, कस्टमर के लिए भी, और सोसाइटी के लिए, ये सभी के रिस्पेक्ट में इंटरप्रेन्योर का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है. इन ई बिजनेस पेमेंट इज डन मोस्टली, यहाँ पे टर्म यूज किया मोस्टली, किसके थ्रू पेमेंट करते हैं? तो मोस्टली यहाँ पे चेक और कैश, COD तो होता नहीं यहाँ पे, मेनली जो पेमेंट होगा ये ई कैश के थ्रू होता है, ठीक है. ये सबके थ्रू भी पेमेंट होता है, कैश COD तो होता है जो हम लोग, लेकिन यहाँ पे पूछा था मोस्टली किसके थ्रू पेमेंट होता है. नेक्स्ट था, द स्पिरिट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट्स, जो हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारा द स्पिरिट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट, सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना वृद्धि करता है. ये किस चीज़ को बढ़ाता है? सेल भी बढ़ाता है, स्कोप ऑफ मार्केट भी हमारा बढ़ाता है, ठीक है. अगर हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम अच्छा कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, और जो प्रेस्टिजियस ऑफ द इंस्टीट्यूट है इसको भी बढ़ाता है. तो इस तरह से फाइनल आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा. कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इमिटेड बाय द ऑटोमोबाइल्स डायरेक्टली इंक्रीज, किस चीज़ को ये इंक्रीज कर रहा है? तो ये एयर पोल्यूशन को इंक्रीज करता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ट्रेडिंग ऑफ गुड्स, प्रोफेशनल सर्विस, ये सारा तो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी. नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज विल बी सोशल सर्विसेज.